ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं कब बदलेगी तस्वीर के। जिस तरीके से लगातार गांव की तस्वीरें हमारे सामने आती चली जा रही हैं, विकास के नाम पर बिल्कुल सिर्फ बंदरबांट किया जाता है, किसी प्रकार से कोई विकास नहीं किया जाता है। देश में आधुनिकीकरण की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, फिर भी देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी मूलभूत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जशपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलता एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में एक ग्रामीण परिवार के प्रेग्नेंट महिला को खाट पर ले जाते हैं देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसी तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जो ये बिल्कुल दर्शाती हैं कि किस तरीके से अधिकारी विकास को लेकर सजग नजर आ रहे हैं, कैसे विकास के नाम पर सिर्फ बंदरबांट किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने हुए 20 वर्ष भले हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर सड़क, स्वास्थ्य और बिजली से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, जिसकी खबरें आए दिन आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला आज तम्बाक छार के जबला गांव से आया है। यहां सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं आ सकी तो परिजनों को प्रसव से पीड़ित महिला को चारपाई पर लादकर नदी पार कर अस्पताल पहुंचना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में सड़क नहीं होने के कारण आए दिन इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें 108 के फोन कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे तो का कहीं 108 वाले तो घरे वाले नहीं झुके सकी। अच्छा, तो निजी गाड़ी है भेजो था। हाँ, निजी मोरे किराया है लेता। ग्रामीणों ने बताया कि प्रसव से पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसके लिए महतारी एक्सप्रेस चलाई गई थी, लेकिन सड़क नहीं होने के कारण लोग स्टेशन पर देर से पहुंचते हैं, जिससे ये ट्रेन छूट जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि पोटापानी और सोनईपुर के बीच 5 किलोमीटर की सड़क को बनाने के लिए अधिकारियों और नेताओं से कई बार शिकायत की गई। गाड़ी हमारे गाँव में नहीं घुसत है, पुलिया नहीं है, 2 पुलिया नहीं है, इसने कच्ची रोड है ले, अब हमके तो मेन रोड तक पहुँचा के पड़ी तम्बा का छार। बीमार तो गर्भवती महिला रही, अस्की करवाक लागिन हमें ले जाता हम। कहाँ लई हो? कुनकुरी हॉस्पिटल होलीगार्ड में। तो जानकारी मेरे को प्राप्त हुई है, वो जो तम्बा का छार और जबला वाले रोड का मामला है, पूर्व में भी इस प्रकार की घटना हुई थी, जिसके तत्काल संज्ञान में लेकर के कलेक्टर साहब के निर्देश पर हम लोग मौके पर गए थे और वहाँ से पूरी जानकारी एकत्रित करके उस दोनों पुलिया का इस्टीमेट वगैरह बना करके कार्रवाई कर ली गई है और तत्काल ही उसका कार्य शुरू होगा। अभी वर्षा के कारण उसमें अभी कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद उसमें तत्काल कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इस सड़क को नहीं बनवाया गया। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक सड़क नहीं बनेगी, इसका जिम्मेदार कौन है? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।